सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए अब देखते हैं हमारा फिफ्थ थ्योरम क्या कहता है। अपने सर्कल का जो फिफ्थ थ्योरम है वो क्या कहता है। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, देखिए बोल क्या रहा है। बेसिकली दो सर्कल्स हैं जिसका एक सेंटर है, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, सेम सर्कल है, सेम सेंटर है, एक ही सेंटर है वो हमारा दोनों सर्कल्स का। ठीक है, ये हमको गिवन है। ठीक है, अब बोल रहा है ना ये जो कॉर्ड है ये बड़े सर्कल का कॉर्ड है ना, है कि नहीं बताइए सर। है ही सर, सर्कमफ्रांस सॉरी सर्कल के हाँ दोनों साइड के सर्कमफ्रांस को टच कर रहा है तो बोल सकते हैं कि ये कॉर्ड है। ठीक है, हाँ। अब लेकिन अगर आप देखें क्या कि छोटे वाले सर्किल का ये क्या है सर, टेंजेंट है। बस अंदर वाला सर्किल पकड़िए, अंदर वाला सर्किल है उसका एक पॉइंट पे वो टच होके पास हो रहा है तो वो टेंजेंट हुआ ना अंदर वाले सर्किल के, हुआ कि नहीं बस इतना सा याद रखिए हुआ। तो बस प्रूफ कर दीजिए आप कि सर कि is bisected, मतलब अगर हम लोग क्या करें, prove that to the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected, मतलब यहाँ पे अगर ये touch हो रहा है तो यहाँ पे ये bisect कर रहा है, यानी कि prove करना है AC is equal to BC, हमको prove करना है, बस इतना सही prove करना, और कुछ करना ही नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं, पहले सबसे पहले हम लोग given लिखना पड़ेगा कि भैया हमको given क्या क्या है क्वेश्चन में, वो तो लिखना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, टू सर्कल्स, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी लिख सकते हैं या टू सर्कल्स with same center that is O हमारा same center है and AB is a chord of larger circle, chord of the larger circle with a point of contact to the smaller circle at C, C पे point of contact, C ही direct लिखते हैं, at C लिख दीजिए। ठीक है, C पे वो हो रहा है, मतलब आपको देखने समझ में आ रहा है जो वो हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, given हम लोगों को पता लग गया, अब हमको proof क्या करना है सर, to prove, हमको proof करना क्या है सर, proof क्या करना है देख लीजिए आप एक बार। मैंने अभी बताया कि AC is equal to BC, आपको बस प्रूफ करना है, तू सही प्रूफ करना है और कुछ प्रूफ करना ही नहीं है। अब देखिए, अब प्रूफ पे आते हैं अपने सबसे पहले, या कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन क्या होगा, OC को आपको बस सिंपली ज्वाइन करना है। OC को आप जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो देख लीजिए प्रूफ पे ही बना देते हैं। ठीक है, ज्वाइनिंग क्या ज्वाइन किया लिखना तो पड़ेगा, ओ सी को हम लोगों ने ज्वाइन किया। ओ सी को आप लोगों ने जैसे ही ज्वाइन किया तो आपको पता लग गया होगा क्या सर, कि सर ये स्मॉलर सर्किल का टेंजेंट है और रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लिखना पड़ेगा आपको, है ना। सिंस बी ए बी इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्किल ठीक है, देयरफोर क्या हो जाएगा हमारा कि ओ सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सिंस टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, जो हम लोगों का थ्योरम नंबर 1 था वही, उसी की मदद से हम लोगों ने ये निकाल दिया। अब आपको एक चीज पता लगेगा क्या सर, क्या आपने प्रूफ कर दिया ना कि सर ये परपेंडिकुलर है, सेंटर से जो लाइन आ रहा है, सेंटर से जो रेडियस आ रहा है वो परपेंडिकुलर है। किस पे परपेंडिकुलर है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है, साथ में किस पे परपेंडिकुलर है सर, बड़े वाले सर्किल के कॉर्ड पे भी तो परपेंडिकुलर है। और हम लोगों को ये चीज पता है कि जो रेडियस से अगर हम लाइन खींचते हैं, रेडियस से अगर हम लाइन खींचते हैं परपेंडिकुलर कहां पे, किसी भी कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड क्या होता है, बाइसेक्ट होता है सर। ठीक है, दो इक्वल भाग में वो टूट जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को बस इतना सा लिखना है। अब द परपेंडिकुलर, मैंने अभी बताया कि जो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर इतने सही रहता, टू द कॉर्ड, टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, या फिर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड ही आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे हमको क्या पता लग गया, देयरफोर
ए सी इज इक्वल टू सर बी सी हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया। ये देखिए ये जो चीज है ये हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा है, देखिए समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं बोल रहा, बस आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना था कि सर ये जो लाइन है ना जो सेंटर से आ रहा है, जो रेडियस हमारा है आ रहा है वो परपेंडिकुलर गिर रहा है, ठीक है। और वो परपेंडिकुलर कैसे गिर रहा है, जब हम लोगों ने ज्वाइन किया तो हमको पता लगा कि ये जो कॉर्ड है ना सर, ये कॉर्ड कुछ नहीं सर, ये टेंजेंट है स्मॉलर सर्किल का, तो हमेशा उस पर परपेंडिकुलर गिरेगा, हमारा थ्योरम है। उससे हम लोगों ने ये निकाल दिया कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। तो ये था हमारा थ्योरम नंबर 5, चलिए बढ़ते हैं आगे।